नमस्कार बालक, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप जो है बेसिकली किसी को भी अपने लैपटॉप का कंट्रोल दे सकते हैं या किसी का भी लैपटॉप का कंट्रोल ले सकते हैं ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से, और दूसरे के लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है एक सिंपल से यूआरएल पे जिसका नाम है remote-desktop.google.com। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड्स इसको उसके बाद हाँ ये ऐसे सटा देते हैं। पे बेसिकली रिमोट सेटअप रिमोट एसेस पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये बेसिकली जो है एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा रिमोट डेस्कटॉप का, जो कि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे में डाउनलोडेड है और ये देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप /forward/access खुल गया। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली उसके बाद ये फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। ये फाइल भी यहीं से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, मेरा डाउनलोड हो गया। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल सेटअप आ जाएगा कि कैसे रिमोटली एसेस कर पाएंगे उसको, बेसिकली उस कंप्यूटर को जिस कंप्यूटर को आपको एसेस करना है, या फिर इस कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस सब नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल दूसरा कोई कंप्यूटर नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं, तो मतलब अभी कोई कंप्यूटर मिलेगा भी नहीं किसी और का जिससे कि आपको डेमो दिखा पाते, लेकिन इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे का आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं अगर इतना करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये हिंट मिल गया होगा आपको, इस हिंट की मदद से आप आगे का काम कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, पीस आउट।